रुख करेंगे कुछ और खबरों का। देशभर में इस वक्त ज्ञान वापी का मुद्दा छाया हुआ है। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले बिहार के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का इस मसले पर भी बयान सामने आया है। इसके बाद सियासी पारा हाई हो गया है। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक। ओबीसी साहब सुपर जिन्ना नहीं बने, वो मंदिर था जिसेश्वर भगवान का मंदिर रहेगा। बिहार पहुंचा ज्ञानवापी विवाद। बीजेपी एमएलए का 30,000 धर्मस्थलों पर दावा। कहा अयोध्या काशी के बाद अभी पूरा देश बाकी। विपक्ष के साथ ही सहयोगी भी विपक्ष पर लाल। जी हाँ, ये बयान दिया है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और विधायक हरिभूषण बचौल ने। पूरे देश में छाए वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर बिहार में भी सियासत उफान पर है। एआईएमआईएम के ओवैसी ने हाल ही में कहा था कि अब हम दूसरी मस्जिद नहीं खोना चाहते हैं। इसी पर तीखा पलटवार करते हुए बचौल ने उन्हें सुपर जिन्ना नहीं बनने की सलाह दी और अयोध्या काशी के बाद देश भर के 30,000 धर्मस्थलों पर दावा ठोक दिया। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला है। ज्ञानवापी का अर्थ होता है ज्ञान का कुआं, ज्ञान का कुआं। ओबीसी साहब सुपर जिन्ना नहीं बने, वो मंदिर था विश्वेश्वर भगवान का मंदिर रहेगा। वहीं बचौल के बयान के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्ष ने उन्हें बयानवीर बताते हुए देश के सौहार्द को खराब करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। माननीय विधायक बचौल जी इसी तरह के बयानों के लिए ही बेचैन रहते हैं। अरे ये भाषाई आतंक ना फैलाएं, ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। कहीं ना कहीं लग रहा है कि 2024 की तैयारी कर रहे हैं कि सत्ता से जब निकलेंगे तो मंदिर के बाहर बैठेंगे। तो इस तरह का बयान इनको यही प्रदर्शित करता है कि आगे का भविष्य देख के घबराए हुए और मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। दूसरी तरफ सहयोगी हम भी बचौल के बयान पर लाल नजर आ रही है तो जेडीयू ने कोर्ट का सम्मान करने की सलाह दी। अगर हरिभूषण ठाकुर जी को लगता है कि किसी मस्जिद के नीचे मंदिर दबा हुआ है तो हरिभूषण ठाकुर जी मीडिया में क्यों बयानबाजी करते हैं? बिहार में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, सरकार के सामने जाकर गुहार लगाएं, कोर्ट है, न्यायालय में जाएं। कोर्ट में मामला अब गया है, कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस तरह का बयान किसी पक्ष को नहीं देना चाहिए ताकि समाज में दूरियां बने, चाहे ठाकुर साहब हो चाहे ओवैसी साहब हो। अगर हमको अपने संविधान पे या पे जुडिशी पे विश्वास है तो उसके फैसले का इंतजार करना चाहिए। बहरहाल ज्ञानवापी मामले पर एक तरफ सर्वे का काम चल रहा है तो दूसरी तरफ मामला कोर्ट में है। लेकिन जिस तरह से बिहार में इस पर सियासत हो रही है उस पर लगाम लगाने की जरूरत है ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे। रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना।